हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे, YouTube पे एक अपडेट आया है, जैसे मुझे मालूम पड़ा सोचा मैं आप लोगों को शेयर कर दूं। तो दोस्तों जो YouTube का अपडेट है उसको बताने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। दोस्तों बात यह है कि मैं ये वीडियो को बना रहा था, उसमें मैं अपना माइक ना, जो माइक्रोफोन का माइक का वो बटन है ना, उसको मैं ऑन करना भूल गया। मैं सारा वीडियो बना दिया, वीडियो बनाने के बाद उसमें वॉइस ही नहीं आया। तो दोस्तों वीडियो जो भी नए यूट्यूबर है उसको ध्यान दे, अक्सर होता है जो नया यूट्यूबर होता है। तो मैंने इसको ऑन नहीं रखा था, अभी मैं जस्ट ऑन किया हूँ। तो दोस्तों हम बात करेंगे यूट्यूब पे जो अपडेट आया उसके बारे में। तो दोस्तों यूट्यूब पे अपडेट ये आया है कि पहले कैसा था, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम, ये कंपलसरी और ज़रूरी था। अगर 1000 घंटा और 4000 घंटा आपका वॉच टाइम रहता है तो आपका वीडियो आपका चैनल मोनेटाइज होगा और मोनेटाइज होने के बाद अर्निंग शुरू होगा। लेकिन जिन भी भाइयों का चैनल मोनेटाइज है उनके लिए मस्ट इम्पोर्टेंट ये है। तो दोस्तों पहले ये था, अभी के जो नया अपडेट आया उसमें थोड़ा सा बदलाव आया है। उसमें बदलाव ये है कि दोस्तों अभी चल रहा जनवरी, फॉर एग्जांपल जनवरी मान के चलिए आप, जनवरी 2022 है चल रहा, तो 2023 में जनवरी में ही आपका जो वॉच टाइम है वो 4000 घंटा अगेन, मतलब हर हाल में आपको हर साल में ये लिमिटेशन है ना, उसको ना मैनेज करके रखना है, उसको बरकरार करके उसको बैलेंस बना के रखना है। ये 4000 घंटा वॉच टाइम आपका हर हाल में पूरा होना है। पहले कैसा था कि 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा हो गया, अगले साल में आपका 3000 घंटा वॉच टाइम हुआ, उसमें क्या होता था कि आपका चैनल डीमोनेटाइज नहीं होता था। अभी हर साल में आपको ये बैलेंस जो है ना, वो बैलेंस को बरकरार रखना है, उसको बना के रखना है। 2023 हो, 24 हो, 25 हो, आपका 4000 घंटा वॉच टाइम ये कंप्लीट हर हाल में होना है। ऐसा नहीं कि व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं और 22 में कई 8000 10000 घंटा हो गया, 23 में आपका पास ज़्यादा 3000 घंटा वॉच टाइम, तो आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। ये बदलाव है। दूसरा बदलाव ये है दोस्तों कि हर छः महीने पे आपको अगर 6 महीने तक आप वीडियो अपलोड नहीं करते हैं तो आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। दोस्तों कम से कम एक वीडियो 6 महीने से पहले अपलोडेड होना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आप यूट्यूबर है, अर्न कर रहे हैं, तो आप किसी भी तरह एनी हाउ आपको महीने में 2-4 वीडियो अपलोड करना ही है। हम उतना रिस्क क्यों लेने जाएं? नए यूट्यूबर एक पल के लिए रिस्क ले सकते हैं, लेकिन जो भी अर्निंग यूट्यूबर है, जो भी अर्न कर रहे हैं या जो भी बिगिनर से स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जल्दी उनका अर्निंग शुरू हुआ है, तो इस बात को ध्यान रखें कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको एनी हाउ 2-4 वीडियो। तो दोस्तों हर हाल में मेरे ख्याल से तो महीने में 2-4 वीडियो डाल ही दो आपको, मतलब डाल देंगे तो बेहतर है इतना इस पर, क्योंकि चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा तो आप समझ सकते हो कितना तकलीफ उठाना पड़ता है, कितना मुसीबत से तब जाके आपका चैनल वापिस से मतलब मोनेटाइज होता है। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं दोस्तों। तो आज की टॉपिक यही थी, अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा दोस्तों तो मैं उसका लिंक जो है अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, एक और वीडियो आप जाके देखिए, और उसमें मनोज दे का वीडियो में उसका वो और डिटेली तरीके से, आपको एक्सपीरियंसेड यूट्यूबर हैं वो और भी ज़्यादा एक्सपीरियंसेड है, तो उनका मैं लिंक दे देता हूँ, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज की बातें इतना ही थी, आज हम अपनी बात यहाँ समाप्त करते हैं। और दोस्तों ये बात ज़रूर ध्यान रखना, जो मैंने माइक का माइक्रोफोन भूल गया था, इसको हर हाल में एक आपको रिमेम्बर रखना है। पर चले पूरी बात बता दिया आपने और पता ही नहीं। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, देख लेना यहाँ जाके, हाँ उसको पढ़ लेना, बाकी सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में होगी। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और सपोर्ट करें दोस्तों, क्योंकि आपके सपोर्ट से, आपके कमेंट से, आपके लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलता है तो आदमी थोड़ा स्ट्रिक्टली और अच्छे से काम करता है और अच्छा वीडियो देता है। दोस्तों अगर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मन जो है निराश होता है और उसी से आदमी कुछ कर नहीं पाता है। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।